दोस्तों महाकाल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए आपके लिए आइटम लेके आया हूँ। ये आइटम बहुत आसान है चेक करना, अपने आप अपने घर पे ही अपने आप चेक करो, मास्टर बनो खुद के खुद। अब इनको हम पूरा सिर्फ करना चेक करना सिखाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे चेक किया जाता है इनको पहले आपको बताएं। ये आपको जो ये आपका कैथेटर खराब हो जाए तो आपको लगाना कैसे और कौन सा लगाना है ये भी हो जरूरी बताना है आपके लिए। अगर पता नहीं होता है क्या से क्या है ये तो बहुत, तो आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हो तो वो ज्यादा रुपए ले लेता है, आपको पता होना चाहिए कितने प्राइस का आता है ये। बहुत सस्ता आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है, ये भी आपको बता दूं मैं, ज्यादा महंगा नहीं आता है, आपको सीधे सीधे बताऊं मैं। देखिए आपके सामने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, ये इसे कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर कैप्सूल भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है। इसे कंडेंसर बोलते हैं, इसे पंखे में लगाया जाता है, फर्राटा वाला पंखा हो या फिर अपना छत वाला पंखा हो, किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान पूर्वक से देखिए, ये बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताएंगे और पूरी फुल नॉलेज दे रहे हैं आपको। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हो चैनल के तो पेज पूरा फुल वीडियो वॉच करें, ठीक है। जो भी नया आया हो वो 100% चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी नॉलेज आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी इलेक्ट्रिकल की। आपको एलईडी सीखना हो, एलईडी के बारे में सीखना हो, टीवी के बारे में सीखना हो, वॉशिंग मशीन के बारे में सीखना हो, इसमें सब कुछ आपको सिखाया जाता है, सिर्फ फोन को नहीं सिखाया जाता रिपेयर करना, और सबके बारे में सिखाएंगे। और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख कर बताइए आप किस चीज में अटक रहे हो, सभी के बारे में बताएंगे आपको, बहुत आसानी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। तुरंत आपसे जिस समय आप चैटिंग करके बोलोगे, जिस समय आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे उसी समय आपको रिप्लाई मिलेगी तुरंत के तुरंत, चाहे एक बार आजमा के देखना, ठीक है। ये देखिए ये यूकॉन का है कैपेसिटर, देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है कैपेसिटर, कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, मैंने आपको सीधे सीधे बताया हुआ है, इसमें वो लिखा हुआ भी दिखा दिया आपको। यहाँ पर भी देखिए कैपेसिटर लिखा हुआ है, CAPACITORS कैपेसिटर। ये देखिए ढाई ढाई माइक्रोफेराड का है, 2.50 MFD माइक्रोफेराड का है। इसमें प्लस माइनस 5% हो जाता है, या 5% प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस आपको बता दें 440 वोल्ट एसी पे इसको यूज कर सकते हैं। इसके हर्ट्ज की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी, हर्ज बोलते हैं जिसको, ये ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि ओ फोन जैसे अपना एलईडी करता है वैसे की बात करते हैं, इस सर्कल में होता है अपना एसी करंट, सर्कल में चलता है तो 50 सर्कल एक मिनट में करता है ये कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए कंपनी की मोहर लगी हुई है, थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ठीक है। SHA MPB, ठीक है। ये देखिए डेट पड़ा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डेट क्या है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये तो कंपनी का कैपेसिटर, ठीक है, बेस्ट। आपको इसके लिए नॉलेज मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसी का लगाना है ये ढाई, देखो 2.50 50, ये आप छत वाले पंखे में लगाना है। ऐसा नहीं कि आप जो आपका फर्राटा आता है उसमें लगा दो आप, वो अपना फर्राटा बहुत धीरे चलेगा, काफी फास्ट नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बताऊं, जैसे कि ये देखिए 3.15 MFD माइक्रोफेराड, 5 पॉइंट प्लस माइनस है, ये लगाइए थोड़ा सही चलेगा, तेज चलेगा पंखा। ऐसा भी नहीं कि आप अपने छत वाले पंखे में तेज चलाने के चक्कर में आप माइक्रो 5 माइक्रोफेराड का लाके उसमें ठोक दो तो आपका पंखा सारा फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आपको भरवाना पड़ेगा, काफी खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप कह रहे हैं पहले इलेक्ट्रीशियन से पूछ लेना कि आपको कौन सा लगाना है कैपेसिटर, बट आप लोग वीडियो देख चुके देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया है कि आपको 2.5 माइक्रोफेराड का ही लगाना है अपने छत वाले पंखे में, ठीक है। और आपको बता दें यदि आपका किट है तो किट में आपको कौन सा लगाना है, किट के साथ में आपको 4 माइक्रोफेराड का आना चाहिए, 4 का या फिर 3.5 का लगाना है आपको माइक्रोफेराड का किट के साथ में, तब किट एकदम मस्त कूलिंग कूल एकदम ठंडी ठंडी हवा फेंकेगा आपके सामने, ठीक है, और मच्छर उच्छर सब कुछ भगा देगा आपके सामने, मच्छर उच्छर नहीं आएंगे। अब आपको एक बात और भी बता दें कि ये चेक कैसे किए जाते हैं, देखिए अपने घर पे भी कर सकते हैं, ना ये दगते हैं ना ये फटते हैं, ठीक, डर रहता है कि आपको दग जाते हैं नहीं दगते हैं कुछ नहीं, पर हाँ आपको जल्दी से जल्दी काम करना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको सीखना है, प्लस
वर्क भी ऐसे ही टेस्ट भी करना है। देखिए आपके सामने, आपके सामने आपको दिखाना भी बहुत जरूरी है। यो देखिए, थोड़ा आइटम आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर ही बात करेंगे हम। यहाँ पर भी थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि धूप ज्यादा हो रही है। देखिए कुछ मैं देखो आपको बताऊं, मैं कुछ मैं अभी देखो आपको बताएं, आपको कंप्यूटर देखो चेक करके दिखा रहा हूं, सारे कंप्यूटर देखो चेक करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखो नंबर लेते हैं, हम किसकी बात करते हैं। देखिए ये न्यू कंप्यूटर है, कभी कभी न्यू कंप्यूटर भी खराब होता है। देखिए ये कंप्यूटर में चेक करके दिखा रहा हूं मैं आपको अभी, चलो लेके चलते हैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे। आ जाओ बोर्ड पे, इधर आ जाओ बोर्ड पे। देखिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, बट आपको बताएं अंधेरे में ही इसका काम होगा, मेन काम इसका अंधेरे में ही आपको पता चलेगा। ये बोर्ड अपना ऑन है, चल रहा है, यहां पर पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, जो कि आपको दिखा दूं मैं बढ़िया तरीके से। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको एसी की मोड पे मैंने सेट किया। देखिए दोनों को मैंने इधर हो डाल दिया, यहां देखिए रीडिंग आ रही है 230 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब इसको मैंने निकाला, यहां इसको मल्टीमीटर को रख दिया, इसको देखो क्या किया, दोनों वायर को देखो ऐसे किया मैंने, अलग अलग किया, दोनों को इसमें घुसेड़ दिया। देखो ध्यान से देखना, घुसेड़ाना, अब देखो इसका कमाल, अगर ये चटकेगा तो समझो ये ओके है, अगर नहीं चटकेगा तो ये खराब है। अब हम देखते हैं कि क्या है ये, वाह पटाखा बोला ना, यानी कि ये कैपेसिटर अपना चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर ये अपना ओके है। चलो तो हम बात करते हैं दूसरी कैपेसिटर की, दूसरा भी लेके आते हैं। देखो ये कैपेसिटर है, मैं आपके सामने अलग रख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर रख दिया है। दूसरे कैपेसिटर की बात करते हैं, ये देखिए ये कैपेसिटर लेके चलते हैं यहाँ पर। चलो भाई आ जाओ, कैमरा मैन सीधे दिखाओ, ये देखिए उसी प्रोसेस को देखिए, पहले हम चला के देखेंगे, नो करंट, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक बार प्लग में लगा दें उसके बाद तुरंत उंगली ना लगाएं, आपको करंट लग सकता है, झटका लगेगा, क्योंकि इसका जो चार्ज है, जो करंट है, आपके बॉडी में चला जाएगा, इसलिए आपको झटका लगेगा। देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ये पता नहीं ये खराब है या सही है। अब इसको हम एक बार देखिए चार्ज करेंगे, चार्ज किया यानी कि एक सेकेंड के लिए अंदर दिया फिर बाहर निकाला। अब देखो इसका पावर, ध्यान से देखना इसमें क्या आता है। देखिए देखो वाह कितनी तेज आग निकली, यानी कि ये भी अपना कैपेसिटर ओके है, कहीं नहीं, अभी देखो कहीं नहीं जाना है, आपको दूसरे भी आइटम को हमें दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप यूं ही हटके और भूले रह जाओ, इस चैनल में आपको वीडियो एकदम मस्त मिलेगा और सिखाने का अंदाज भी अलग रहेगा, मजेदार सिखाऊंगा जो जिंदगी भर सीखते रहोगे। देखो एक बार गया अंदर, कट हो गया काम इसका, फिर देखो टकाटक देखो, वाओ थोड़ा कम बोला पर बोला। देखिए 2.50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, अभी देखो आइटम दूसरा लेके आते हैं। ये आइटम यहां रखा, ये आइटम देखो उठाया, ये देखो आइटम, चलो इसको भी लेके चलते हैं, इसका भी देखते हैं। यहां पर देखना, देखो इसी में मजा है, एक बार तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों दिखा रहा हूं इतने। एक सेकंड के लिए अंदर लेके गया फिर बाहर निकाली, अब इसको देखो एक मिनट टच किया, वाओ आग निकली। चलो इसको लेके चलते हैं, देखिए ये चार कैपेसिटर हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी, चलो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी, ये चमक दमक रहा है ज्यादा। देखिए क्या सेंसिटिव है ये, देखो क्या गाढ़ी तरीके से बढ़िया तरीके से लिखा। अब लेके चलते हैं हम इसको अपने इसके पावर में,
कहीं इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। अब इसको मैंने अंदर इसको डाला एक सेकंड के लिए, फिर इसको मैंने ऐसे मारा, फिर डाला इसको, फिर ऐसे मारा। ये कैपेसिटर खराब है क्योंकि इसमें अब काम नहीं है, ये कैपेसिटर खराब हो चुका है। देखिए, पर काम कर गया ये, वैसे ये पंखे में काम नहीं करता है, ये कैपेसिटर खराब है। देखो ध्यान से, फिर से बाद में लगा रहा हूं इसमें, ये कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है। फिर आपको देखो दिखाते हैं, एक और कैपेसिटर की बात करते हैं। ये कैपेसिटर देखिए इसमें क्या है, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ये लास्ट कैपेसिटर है जो आपके होश उड़ाएगा, और सीख चुके होंगे आप लोग। ये आपको 2.50 माइक्रोफेराड का दिखाया, प्लस अभी एक कैपेसिटर और दिखाएंगे, वो होगा आपको 3.15 का, जो कि आपको दिखाया था। ये देखिए अब इसका कमाल देखिए, वाह क्या नजारा है इसका। देखिए सारे कैपेसिटर चेक किए मैंने, ये देख सकते हैं आप इतने सारे, प्लस आप इस कैपेसिटर को देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू देखो इसकी 3.15, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये आपको बड़े अपने नॉर्मली पंखे में मत लगा देना। ये देखो चार्ज हुआ, इसकी पावर देखना, वाव सभी से दमदार इसकी पावर है, क्योंकि ये 3.15 माइक्रोफेराड का है और वो 2.5 माइक्रोफेराड का है, यानी कि उसकी पावर इससे कम है और इसकी ज्यादा है। अगर आप 4 माइक्रोफेराड का लगाओगे, टेस्ट करोगे, तो इससे भी पावरफुल पटाखे की आवाज आएगी। और ये खराब और सही का यही एक तरीका है पता करने का, ठीक है। और तो पंखा स्लो हो जाता है, ये तो पता ही चल जाता है। चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग सीख चुके होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपको एक अगली वीडियो में, दमदार वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।